ये है दोस्तों हमारी प्राइमा 2830 के, और इसका हम काम कर रहे हैं। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम आ रही गाड़ी में पोर पिकअप की, वो हम चेक करेंगे लैपटॉप के माध्यम से। तो चलते हैं हम सीधा इसके वर्किंग के ऊपर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साईद ऑटो एक्सपर्ट में। और आज हम बात कर रहे हैं प्राइमा के बारे में, और हमारे जो क्लस्टर मीटर में आ रहा है DFSR सिस्टम फॉल्ट और डोजिंग स्टॉप का कोल्ड आ रहे हैं, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चेक करना है। तो हम सीधे चलेंगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ देखते हैं फॉल्ट कोड क्या है। तो आइए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हो रहा है हमारा लैपटॉप कनेक्ट, और इसमें हम देखेंगे फोल्ड कोड, और फोल्ड कोड के माध्यम से हम गाड़ी में काम करेंगे। तो जब तक हमारा लैपटॉप कनेक्ट होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो यहाँ पर हमारा लैपटॉप हो चुका है कनेक्ट, और अब हम इसे फोल्ड कोड के ऊपर चलेंगे और फोल्ड कोड को देखेंगे फोल्ड कोड क्या आ रहा है। लैपटॉप हमारा कनेक्ट हो गया है और हम चलते हैं सीधे फोल्ड कोड के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है 6485-4489-3571-4487-386 सारे कोड आ रहे हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला कोड है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड पंप ड्राइव, ये हमारा डीजल का जो एग्जॉस्ट है DF है, तो DF पंप बराबर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यूरिया टैंक के ऊपर और वहाँ पर हम इसके फिल्टर चेक करेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे फिल्टर की क्या कंडीशन है और उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारे जो गाड़ी है इसके अंदर यूरिया का टैंक, ये लग रहा है यहाँ पर यूरिया का टैंक, और इसको हम यहाँ से पाइप वगैरह मैंने पहले ही निकाल रखी है, इसको हम बाहर निकालेंगे। इसको आराम से हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी फिल्टर्स की कंडीशन को हम चेक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर दोस्तों हमने हमारा DF टैंक का लेवल सेंसर निकाला है, तो आप यहाँ देख सकते हो जो फिल्टर की कंडीशन है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, मतलब यूरिया जाने की जो लाइन है वो पूरी ब्लॉक हो रही है। तो ये हमारा फोल्ड कोड इसी वजह से आ रहा है, और ये इतना मटेरियल इसके फिल्टर के ऊपर जमा हुआ है तो इसके कारण फिल्टर हमारा चोक हो गया है। और टैंक के अंदर भी हम देखते हैं टैंक की क्या हालात है और देखते हैं आगे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करेंगे हम इसी के साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैंक के अंदर कुछ दिख रहा होगा, तो टैंक के अंदर जो आपको दिख रहा पूरा वाइट, तो इसके कारण ये मतलब सारा फिल्टर के ऊपर जम गया है, और ये यूरिया थोड़ा डिसमिस लग रहा है, यूरिया के अंदर कचरा ज़्यादा है इसके कारण ये आ रहा है। और हम यहाँ का जो हमारा ये बाहर वाला फिल्टर है इसको भी खोल के देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये टैंक है यहाँ पे फिल्टर पट्टा हम लगा नहीं सकते, तो इसको पूरा हम खोल के बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने के बाद इसको हम खोलेंगे तो इस फिल्टर की कंडीशन भी हमें पता चलेगी। तो यहाँ से इसका हम जो पाइप है उसको प्रेस करके आराम से निकाल लेंगे। इस फिल्टर को हम बाहर ही निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमारा ये फिल्टर भी पूरा चोक हो गया, तो ये दोनों फिल्टर हम चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है।
स्मोक होने के कारण से हमारा ये कोड जनरेट होता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये फिल्टर चेंज करना है और चेंज करने के बाद कोल्ड कोड रीसेट करके एक बार डोजिंग टेस्ट करना है। डोजिंग टेस्ट करोगे तो ये हमारा कोड निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आपके साथ और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिल्टर चेंज करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।